नौजवान जी पीढ़ी है करोना करके नहीं मरनी, ये भुखमरी कारण मर जानी है। ये मैं लिख के दे सकता कि चिट्टे पन्ने से लिख के दे सकता, जे भुख ना ना मरे ना कोई दुनिया लुट खो ये चल पैनी है। इतने इतने मार कटाई वड्डा टुकी चल पैनी है जे इदा का माहौल रहा होर 10 दिन। मेरे घर वाले दी बाहां टुटियां, मैं मिर्चा लेके आई है, मैं दिहाड़ी जावा कि मिर्चा लैन जावा, मैं दिहाड़ी करके इतने दुकाना बंद हो जाए, मैं की लियावा। ना खंड चाह मिलती है, ना कोई सौदा मिलता, ना सब्जी का की मिलनी है। यह कहनी है भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। शराब पीण वाले वास्ते तो उत्थे ठेके खुले है, मैं की करने ठेके, मैं दाल चाहिए है, सब्जी चाहिए है। इस मिर्चा ने रोटी खा के वह कर गुजारा करते हैं। जे असी कणक चुगन जाने खेतों की, कणक चुगन जाने खेतों भी कहें भी तुम सड़कों से क्यों तुरे फिरते हैं, असं और कितने जाइए घर, हम फाहे लै लीए दसो। जे ये ना चले आप सारे जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसी ऐसी जो कोई जिम्मेवार नहीं, ऐसी हम ऐसे घरों बाहर नहीं निकल सकते, घरों बाहर निकलते हैं पुलिस वाले चलान करते, 500 रुपया चलान, 1000 रुपया चलान, 2000 रुपया चलान, ऐसी कितों भरिए। महामारी तो बचने लिए सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिता, पर हुण आम लोगों को यह जवाब देवे कि आम लोग कितों खाणगे कितों कमाउणगे। यह सवाल आम जनता सरकार नूं कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन की खबर सुनने तो बाद आम लोग भुखला गए ने। सवाल एको ही है कि किते एक साल पुराना हाल ना हो जाए, आम लोग जिहड़े ने उस सड़कां ते ना जा। आर्थिक तंगी पहला ही लोगों के आई हुई है, तो उस तो बाद महामारी कारण जिहड़ा लॉकडाउन दूजी वार लगन जा रहा, इस दे चलदियां भी लोग परेशान हो चुके ने, जिस दे चलदियां दुकानदार होण जां फिर दिहाड़ीदार सारे एकजुट होके सरकार नूं अपील कर रहे ने कि सरकार नूं भी सिस्टम दे नाल चलना चाहिए है, तां जो आम लोग भी परेशान ना होण। कि कुछ कहना इन्हां लोगों का, आओ तुहानूं सुना दिंदे हां। पहला मैं दिहाड़ी जानी है, बच्चे पाले, मसा मसा पाले आ, मेरे घर वाले दियां बाहां टुटियां, मैं मिर्चा लेके आई है, मैं दिहाड़ी जावा कि मिर्चा लैन जावा, मैं दिहाड़ी करके इतने दुकाना बंद हो जाए, मैं की लियावा। ना खंड चाह मिलती है, ना कोई सौदा मिलता, ना सब्जी का की मिलनी है। यह कहनी है भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। शराब पीण वाले वास्ते तो उत्थे ठेके खुले है, मैं की करने ठेके, मैं दाल चाहिए है, सब्जी चाहिए है। दिहाड़ी मंजूरी करते असी, मंजूरी भी ठेके बंद किए पे, मकान जेने मकान ठेकेदार लेंदे ठेका मकान बंद किए पे, दिहाड़ी कितने लाइए, कितों खाइए। मिर्चा लैन आई है भज के, अज मेरी दिहाड़ी भन्नी गई है, मिर्चा लैन आई सी मैं, की करा मैं, कितने जावा, किवें पालिए बच्चा, घर वाले दियां बाहां तोड़ गए, चोर आए सी, कितने जाइए असी। मेहनत है आप तो यह कह रहे हैं, दुकाना खुलन सारिया खुलन, तो रोटी पानी साडा रुजगार चले, हाथ बन के बेनती है कैप्टन साहब जी, धन्यवाद। जिहड़ा सरकार सारे नाल कर रही है, बहुत ज़्यादा सरेआम धक्का चल रहा जी, सारे इस टाइम सारे तुसीं देख सकते आसे पासे कोई भी इस टाइम रुजगार दे विच नहीं हैगा, सारे भुखे मर रहे हैं। यह अजकल नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है करोना करके नहीं मरनी, ये भुखमरी कारण मर जानी है। ये मैं लिख के दे सकता कि चिट्टे पन्ने से लिख के दे सकता, जे भुख ना ना मरे ना कोई दुनिया लुट खो ये चल पैनी है। इतने इतने मार कटाई वड्डा टुकी चल पैनी है जे इदा का माहौल रहा होर 10 दिन। जे ये ना चले आप सारे जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसी जो कोई जिम्मेवार नहीं, ऐसी हम इतने घरों बाहर नहीं निकल सकते, घरों बाहर निकलते हैं पुलिस वाले चलान करते, 500 रुपया चलान, 1000 रुपया चलान, 2000 रुपया चलान, ऐसी कितों भरिए। साडे कोल तां असीं मिर्चा ना रोटी खा के वह कर गुजारा करते हैं, जे असी कणक चुगन जाने खेतों की, कणक चुगन जाने खेतों भी कहें भी तुम सड़कों से क्यों तुरे फिरते हैं, असी और कितने जाइए घर, हम फाहे लै लीए दसो, हम कितने ऐसी। जे रोटी खावे तो तुरंगे, जे रोटी तुरंगे तो रोटी फिर ही आऊगी, जे रोटी ना आई तो असी कितने की करांगे। लॉकडाउन तो सरकार ने कहता भी हाँ 14 दिन तक 11 बजे तक खुली है जी, की खुला इतने, कुछ भी नहीं खुला, ना पैसे बैंक च लिक रहे, ना जमा हो रहे हैं, ना कि पैसा आ रहा, ना कि जा रहा, सारे रोजगार नौजवान जोड़े है दुकानदार सारे बेरोजगार बैठे हैं इस टाइम। जो किसी ने कोई पंजी किसी ने लैनी है, कोई पैसा किसी ने आ नहीं रहा, तो हाँ जी सरकार ऐसी कहती है असी लोन सिस्टम चलाता जी, कि लोन सिस्टम चलाया मैंने दसया जाए, मेरा नाम सतवीर सिंह, मैंने दसया जाए कि लोन सिस्टम चलाया, अजक ऐसी हाँ फ्री कर रहे हैं, की फ्री किया सू दस, सब्जी सब्जी खंड चाह पत्ती सब दे रेट आसमान, पहला किन्ने रुपये आ जाए, तेल 70 रुपये तो लैके 82 रुपये तक हो चुके, तो पेट्रोल जे जरा 80 रुपये से 92-93 रुपये तक हो चुके, ऐसी कितों चला गए, ना मोटरसाइकिल चला सकते, ना सैकल चला सकते,
ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਠਾਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆਓ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਪੱਠਾ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰੂਸਾਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖੋਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰਤਾ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ